ये क्या किया है तुमने? किस चीज से बनाया आपने ये? किस चीज से बनाया? असली मूछे हैं? तो भाई ये आपने राउंड जो बनाया ना गलत बनाया है, ये नीचे की तरफ नहीं होता है, ये ऊपर की तरफ होता है राउंड। अगर ये साफ नहीं हुई और कल स्कूल जाना फिर क्या करोगे? अरे जिम्मा भी आ गई। जोजो, मिस्टर जोजो, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो इतना? जिम्मा, जिम्मा जोजो क्या कर रहा है? ओ, 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 जिम्मा, ओ, अरे बेबी। जी भाई, अभी का सीन ये है कि अभी हम निकले हैं। मैंने बल्कि उमर से एक वादा किया था कि मैं उसको आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए घर की, वो बस ये सब चीज़ें लेने जा रहे हैं और उमर को आइसक्रीम खिला रहे हैं और शायद हम भी खा रहे हैं। सुभान अल्लाज़ी सखर अल्लाना हाता वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना ला रब्बिना लमुनक़लिबून। Omar. Hello. भाई उमर और मुझे अभी नीचे खेलना है, मतलब उसको खेलना है और मुझे तो सिर्फ उसका साथ देना है। उसके बाद उमर और मुझे तो आइसक्रीम भी खानी है भाई। हैं भाई उमर, आइसक्रीम खाएंगे ना अभी? लेकिन अभी ये है कि विमल का गला सही नहीं है तो ये तो खा नहीं सकती है, तो पहले इनको ऊपर छोड़ने जा रहे हैं और उसके बाद फिर उमर को अपनी फुटबॉल लेनी है, साइकिल लेनी है, उसके बाद फिर हम दोबारा से नीचे आएंगे ये वाला सामान घर पर रख के और दूसरा सामान नीचे लेकर आते हैं। खानी कौन खा लो? चलो उतरो, उतरो जल्दी उतरो। भाई आइसक्रीम ले लिए। सीन ये है कि नीचे बैठना था थोड़ी देर और, लेकिन ऊपर आना इसलिए पड़ गया क्योंकि मैं शाम को कोई 5 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने रेंडर पे लगाया था अपना ब्लॉग और अभी 10:30 बज रहे हैं। 3 दफ़ा लगाया, तीनों दफ़ा जो है रेंडर में एरर आ गया। 1 दफ़ा रेंडर होने में 1.5 घंटा लगता है और बिल्कुल एंड पे आके एरर आता है, जिसकी वजह से मेरे इतना टाइम ज़ाया किया है। अरे यार, मेरा इतना सारा टाइम ज़ाया हुआ आज। 2:15 बज रहे हैं, दिमाग की मेरी बच चुकी है बैंड। भाई ब्लॉग किसी तरह मेरा रेंडर होके नहीं दिया। शाम को 5 बजे से शायद मैंने बताया है ना आपको कि रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक जो फुल अटेम्प्ट था रेंडर होने का उसमें 1.5 घंटे लग रहे थे और कोई 4 दफ़ा तो आराम से मैंने रेंडर करने की कोशिश की, 4 से 5 दफ़ा। ये सब 2:15 बज रहे हैं शाम 5 बजे से लेके, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया इसको रेंडर करने के लिए।
मुस्तकिल एरर दिए जा रहे हैं, मुस्तकिल एरर दिए जा रहे हैं। आखिरी में भाई आपके भाई ने एक तरीका ये निकाला, अभी भी मेरी मेरा यानी ब्लॉग अभी पूरा रेंडर हुआ नहीं है। मैंने किया ये कि भाई जैसे 13 मिनट का मेरा ये ब्लॉग था तो मैंने इसको 2-2 मिनट में ब्रेक करके रेंडर करना शुरू किया, यानी पहली 2 मिनट की क्लिप मैंने रेंडर की, उसके बाद अगली 2 मिनट की मैंने रेंडर की, इस तरह कर करके मैंने पार्ट्स में इसको रेंडर किया। तो अब आखिर में मैं अटेम्प्ट ये करूँगा कि मैं सारी जो सारे पार्ट्स हैं सबको एक जगह कंपाइल करके एक पूरा ब्लॉग मैं दोबारा से एक रेंडर चला दूँगा या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर सारी ये जो पार्ट्स हैं इनको जोड़ कर एक पूरा मैं अपना ब्लॉग बना दूँगा। यही तरीका मुझे समझ में आया, क्योंकि एक साथ ये पूरा ब्लॉग मेरा रेंडर नहीं करके दे रहा था कम्बख्त हमारा। अभी ये लास्ट पार्ट लगा हुआ है रेंडर पर, लेकिन इससे हुआ ये जितनी फेल्ड मेरी एक्सरसाइज थी कि आज मेरा ब्लॉग, यानी आज क्या है संडे को भाई मैं अपना ब्लॉग अपलोड नहीं कर सका। मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि इस महीने मैंने बहुत कम ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल मेरा चल रहा था। लेकिन मैंने खैर इरादा ही किया था कि मैं कम से कम एक हफ्ता पूरा रोज़ यानी डेली ब्लॉग मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। लेकिन ये जो एक फजूल की मुसीबत आ जाती है ना भाई, ये मतलब अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जिनका कुछ किया नहीं जा सकता। फाइनली भाई अपलोड हो रहा है ब्लॉग, और रात के 3:15 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं। जो तरीका मैंने सोचा था उसी तरह ही हुआ, पार्ट्स में रेंडर किया, उसके बाद मैंने अडोबी प्रीमियर प्रो पे सबको कंपाइल करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं भाई उस पर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सारी वीडियोस को अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया, फिर मोबाइल पे जो वीडियो एडिटिंग की ऐप है यूकट के नाम से शायद, उस पर मैंने उस सारी क्लिप्स डाली, उनको पूरा एक कंपाइल एक जगह पे करके फिर व्लॉग को मैंने पूरा जोड़ा, फिर उसको सेव किया अपने पास 4K के ऊपर, फिर मैंने वापस लैपटॉप पर ट्रांसफ़र किया उसको मोबाइल से, और फिर मैंने जो है वो चेक किया भाई, पूरा ब्लॉग देखा, बिल्कुल परफेक्ट था, अब जाके अपलोड हो रहा है। खैर ये वाला ब्लॉग जो मैं अभी बना रहा हूँ ये तो मैं यहीं पर ही ख़त्म अब कर देता हूँ, ये अपलोड हो जाए फिर मैं इसको स्केड्यूल कर दूँगा, अभी प्राइवेट रखूँगा, सुबह उसको पब्लिक कर दूँगा, क्योंकि इस टाइम पर पब्लिश करना कोई दुख बनता नहीं है वैसे। खैर फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा अगर वीडियो पसंद आ गई हो, नहीं पसंद आई तो आई एम सॉरी, और दूसरी वीडियोस देख लें, हो सकता है वो पसंद आ जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ओवर एंड आउट।